दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बार को दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। हे दोस्तों, कैसे आप लोग, मैं हूँ बिल और आप देख रहे हैं बिलू टेक्निकल। दोस्तों, एक बार तो आपके मन में ये जो है सवाल आया ही होगा कि हम जो गेम्स डाउनलोड करते हैं वो इतने बड़े साइज में आते हैं, और दोस्तों आजकल के गेम्स की अगर आप बात ही करें तो इतने बड़े हैं कि उनकी साइज देख के आपको हार्ट अटैक आ जाए। आप पैसे दे के खरीदने को भी तैयार हो जाएंगे पर डाउनलोड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसे डाउनलोड करने में आपके पास मिनिमम 40 Mbps की स्पीड हो तो भी ये एक दिन तो ले ही लगा या फिर 2-3 घंटे दोस्तों, क्योंकि इसकी जो साइज रहती है 50 GB, 60 GB, रेजिडेंट डिविल 7 तो 37 GB का है। उसमें तो इतनी छोटी गेम है, मुझे तो समझ में नहीं आई कब चालू हुई कब ख़त्म हुई। मैंने एक दिन में जो है उसे कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों, ये जो गेम्स रहती है आजकल की, अगर आप GTA 5 को ही कंपेयर करें वो तो आज की भी नहीं है, 4 साल बीत चुके हैं। और दोस्तों, आप अभी गेम प्ले देख ही रहे होंगे इसके, इतने अच्छे ग्राफिक्स के साथ आती है कि उसकी साइज़ है दोस्तों 60 GB। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि जो है कि गेम जो है कैसे आप जो है कंप्रेस फाइल साइज में, और दोस्तों इतनी सा कंप्रेस भी नहीं, बहुत कंप्रेस कि आप आराम से उसे डाउनलोड कर सके। दोस्तों, GTA 5 जो 59-60 GB का है वो आप इसमें सिर्फ आराम से 30 या 20 GB में डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे, ये कुछ क्रैक फाइल वगैरह नहीं होगी दोस्तों, ये बिल्कुल श्योर विदाउट वायरस और एकदम क्रैक फ्री साइट है। तो दोस्तों, आप इसमें साइन अप भी कर सकते हैं, और मैं नहीं कहूँगा कि आप साइन अप करें पर आप कर सकते हैं। अगर आप इसे स्टे ट्यून रहना चाहते हैं इससे, तो आप इससे जो है अपने लगातार जो है आप खेल सकते हैं इस पर, मीन्स डाउनलोड करके गेम्स। और दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले के गेम्स तो इसमें आराम से MB में आ जाते दोस्तों, 900 MB नहीं, 200-300 MB में। दोस्तों, मैंने उस दिन डाउनलोड की थी इससे एक गेम, वो कौन सी, रेजिडेंट एविल 4, वो तो इसमें सिर्फ 256 MB, मीन्स 256 MB की गेम है इसके अंदर, और एक्स्ट्रैक्ट करने के बाद भी ज़्यादा फाइल GB नहीं हुई, क्या पता कितनी हुई, पर पता नहीं फटक से एक्स्ट्रैक्ट भी हो गई और मैंने इसे इंस्टॉल भी कर लिया और मैं खेल भी चुका हूँ थोड़ी सी। और दोस्तों, बहुत अच्छी गेम है। और दोस्तों, मैं आपको इसी साइट के बारे में बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, कैसे आप जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा अलग साइट पे जो कि ऑफिशियल साइट है उस पे इसकी साइज़ क्या है, और जो मैं आज आपको ये साइट दिखाने वाला हूँ इसके अंदर इसकी क्या साइट है, मीन्स जो साइज़ है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हे दोस्तों, पहले तो मैं आपको जो है ओशन ऑफ गेम जो कि ऑफिशियल साइट है, सब गेमर जो है उसी से जो है, मैं भी पहले उसी से डाउनलोड करता था, और फिर जो है मैंने अपनी जो साइट बदल दी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो साइट से मैं अभी डाउनलोड करता हूँ हाल ही में। पर मैं कभी कभी कुछ कुछ गेम्स जो है बाय कर लेता हूँ जो बड़े साइज़ की रहती है, जैसे रेजिडेंट एविल 7 जो मैंने बाय किया 1350 रुपीज़ की सेकेंड हैंड। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है साइज़ दिखा देता हूँ ओशन ऑफ गेम्स पे, और रुकिए 2 मिनट, इसे थोड़ा लोड होने देते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो मेरा जो है नेट जो है वो थोड़ा स्लो है अभी, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फ़िलहाल के लिए GTA 4 दिखा देता हूँ, ठीक है। GTA 5 तो आप सभी को पता ही होगा कहाँ से कैसे जो है मीन्स करते हैं कंप्रेस। चलिए GTA 5 दिखा देता हूँ, पर क्या पता उसमें होगी या ना, क्योंकि ज़्यादा तो उसमें गेम्स कुछ फ़िलहाल नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ पर है GTA 5 फुल डाउनलोड, और हमें जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये पेज जो है ओपन हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि आपको दिखा दूँ इसकी साइज़ जो है, आप देख सकते हैं ग्राफिक्स वगैरह कितने अच्छे हैं। मैंने यहाँ से नहीं डाउनलोड किया, मैंने इसे जो है ये फिजिकली डाउनलोड नहीं किए, स्टीम पर डाउनलोड किए हैं। रैम देख सकते हैं 4 GB चाहिए, इंटेल कोर 2 क्वाड। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स नहीं दिखाते, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं पर यहाँ मिनिमम नहीं है, फुल टू फुल जो है आपको ज़रूरत रिकमेंडेड जो है वो रिकमेंडेड दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें मिनिमम जो है रैम 2 GB, सेटअप साइज जो है मिनिमम यही रहेगी, और दोस्तों अगर हार्ड डिस्क स्पेस देखें तो इस पर वही रहेगी, इंटेल कोर 2 क्वाड 2.4 GHz से, उसकी जगह आप इंटेल पेंटियम 4 यूज़ करते तो उसके लिए अलग और विस्टा के लिए अलग। दोस्तों, ऐसे भी आपको जो है मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमेट डाउनलोड स्पीड, ये क्यों रहता है दोस्तों, इन्होंने नया निकाला, क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी साइजेस देते हैं इसमें भी इनका ही फायदा है, ये लोग प्रीमियम VIP प्रीमियम लेते हैं और इससे जो है पैसे लेते हैं, और अल्टीमेट डाउनलोड स्पीड और प्रीमियम सपोर्ट मीन्स आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है और आपको थोड़ा कंप्रेस वाला दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो दिस न्यू सेटअप इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल, नॉर्मल स्पीड से भी आप डायरेक्टली जो इंस्टॉल करते हैं वो। अभी मैं आपको चमत्कार दिखा देता हूँ जो साइट मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 सेकंड कहाँ, ओके। तो ये जो है साइट है,
आपको इसका नाम भी दिखा देता हूँ, इसका नाम है PCGamesPunch.com और ये बहुत इजी साइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गेम्स वगैरह यहाँ पर जो न्यू रिलीज गेम्स है वो दिखते हैं। यहाँ पर मैं अभी टाइप कर रहा था, मुझे पता नहीं इसमें होगा कि नहीं, पर बाकी कुछ कुछ ज़्यादा तो गेम्स है इसमें। आपको GTA 5 दिखा देता हूँ, है क्या, मुझे नहीं लगता होगा, पर अगर होगा तो आपको दिखा देता हूँ। कंप्रेस साइज में ही होगा वो भी। और दोस्तों अगर आप GTA 5 सर्च रिजल्ट कर रहा है, करने दीजिए। ओके, Xbox 360 आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और आप देख सकते हैं और भी गेम्स है, जैसे कि अगर आप देखें GTA एपिसोड फ्रॉम लिबर्टी सिटी जो कि इतना कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से और जितने MB का गेम्स चाहिए उसके हिसाब से भी, जैसे 1 GB टू 5 GB के हिसाब से जो गेम्स है वो आप सर्च किए और आपको मिल जाएगा। देखिए GTA 5 Xbox 360 गेम, पर ये Xbox 360 के लिए नहीं, अपने PC के लिए यहाँ पर Xbox 360 इसीलिए ऐसे ही लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तो आपको सिर्फ 20 GB बोला, 20-30 GB, पर यहाँ देख सकते हैं आप कितना कंप्रेस है। आप यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इस तरफ देख सकते हैं और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपको बोला था रैम 2 GB है, ग्राफिक्स 512 MB ग्राफिक्स मेमोरी। ओके, अच्छा है, तो मेरे में तो थी पहले, मैंने डाउनलोड कर लेना चाहिए। देखा आप, इससे जो है आपको कंप्रेस साइज में मिल रहा है, ताकि आप जो है इतनी बड़ी साइज में टाइम ना ले, इसलिए आप जो है अलग अलग पार्ट्स करके डाउनलोड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू से थैंक्स, जरूर से इस आप चाहे तो इसको जो है अलग अलग गेम्स और भी है, अगर आपको कुछ रिप्लाई वगैरह देना तो आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको जो है दिखा दिए कैसे जो है आप GTA 5 या फिर अलग अलग गेम्स जो है इस साइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगा था कि इसमें GTA 5 होगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा था, इतनी बड़ी साइट है, काली ब्लैक नाइट फिनिश है, और दोस्तों मुझे लगा नहीं था कि इसमें जो है ये गेम होगा, पर इसमें दोस्तों ये गेम है, तो थैंक्स उनको जिन्होंने ये साइट बनाई। और दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी गेम सर्च कर सकते हैं तो आप खेल सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कैसे जो आप कंप्रेस गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ब्लू टेक्निकल।